तीन किसान कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का धरना एक साल से चल रहा है। वहीं दिल्ली के जंतर मंतर पर भी एक धरना चल रहा है। ये धरना भी किसान कानूनों के खिलाफ है और ये धरना पंजाब के सांसद विधायकों की तरफ से दिया जा रहा है। पंजाब के सांसद विधायक एक लंबे समय से दिल्ली के जंतर मंतर पर डटे हुए हैं। पंजाब के सांसद रवनीत सिंह बिट्टू, गुरजीत सिंह ओझला, जसबीर सिंह गिल समेत कई सांसद और कई विधायक भी लंबे समय से धरना दे रहे हैं। दिल्ली की सीमाओं पर एक तरफ जहाँ किसान धरना दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पंजाब के भी सांसद विधायक जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। इनकी भी यही मांग है कि जो तीन किसान कानून है वो वापस लिए जाए। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल घोषणा कर दी है कि संसद सत्र में किसान कानूनों को वापस ले लिया जाएगा। पंजाब के सांसद विधायक वो भी यहीं पर अपनी रातें गुजारते थे और एक लंबे समय से अपना धरना यहाँ पर दे रहे थे। अब जब प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी है कि किसान कानून वापस हो जाएंगे, तो अब पंजाब के इन सांसदों का, विधायकों का क्या कदम रहने वाला है, बात करने के लिए हम खुद जंतर मंतर पर पहुंचे हैं। जो पंजाब के सांसद है, विधायक है, उनसे हम बातचीत करेंगे। जसबीर सिंह गिल यहाँ पर मौजूद है, गुरजीत सिंह ओझला यहाँ पर मौजूद है, उनसे हम जानेंगे कि अब इनकी आगे की क्या रणनीति है। सबसे पहले हम गिल साहब के पास चलते हैं। गिल साहब क्या कह रहे हैं? गिल साहब, सबसे पहले तो आपको भी बधाई हो, एक बड़ा कदम उठाया है केंद्र सरकार की तरफ से, कानून वापस हो जाएंगे, साफ हो चुका है। अब कब तक आप लोग यहाँ पर रातें गुजारेंगे? आप लोगों का धरना कब तक चलेगा? हमारा ये धरना जब तक हम पार्लियामेंट में इसको रद्द नहीं करवा लेते, मेरी तो निवेदन है प्रधानमंत्री जी से कि पहले दिन ही आप ये कानून रद्द करने का जो प्रपोजल लेके आए और हम सर्वसम्मति के साथ इसे पास करें। ये एक बहुत बड़ी किसान की जीत है, देश की जीत है। 70% देश के लोग खेती पे आधारित है, चाहे खेत मजदूर हो चाहे किसान हो, आज उनको राहत मिली है। ये फसल और नस्ल की लड़ाई थी और मेरे को एक आज बड़े गर्व के साथ मैं कह सकता हूँ, सन 1965 से लेके सन 2021 तक तकरीबन 55 साल के करीब हो गए, हमारे नेताओं ने वोटों के लिए पंजाब और हरियाणा में दरार डाली थी, मगर इस आंदोलन ने पंजाब और हरियाणा को एक कर दिया। इसका मेरे को सबसे बड़ा सुकून है और मैं पंजाब और हरियाणा के लोगों को इसकी बधाई। किसान एक नारा देते थे, ये लड़ाई फसल और नस्ल की है, इस फसल और नस्ल की लड़ाई में क्या मानते हैं? जीत किसकी हुई, हार किसकी हुई और आप लोग कब तक बैठे? देखिए, सच्चाई की हमेशा जीत होती है, लालच की, अहंकार की, अहम की हमेशा हार होती है। किसान जीता है, देश जीता है। हम यहाँ तक जब तक ये कदम पार्लियामेंट से रद्द नहीं हो जाते तब तक हमारा मोर्चा जारी रहेगा। अगर बात करें, आप लोगों ने संसद में भी लड़ाई लड़ी, आप पंजाब के तमाम कांग्रेस के सांसदों ने, आप लोग जंतर मंतर पर भी डटे हुए हैं। अब एमएसपी की बात करें, एमएसपी को लेकर किसान मोर्चा कह रहा है कि एमएसपी भी लिखित गारंटी चाहिए, कानून चाहिए, क्या लगता है ये कितना फिजिबल सा है? देखिए, ये बिल्कुल फिजिबल है। किसान पंजाब और हरियाणा के जो किसान हैं, 70% के करीब सेंट्रल पूल में जो गेहूं और चावल है ये डालते हैं, इनको तो ऑलरेडी एमएसपी मिल रही है, तो अगर बाकियों को भी दे दो, किसान तो किसान है यार, उनको भी दे दो, मैं समझता हूँ उससे मोदी जी का और कद बढ़ेगा, मोदी जी का लोग और उनको प्यार देंगे। पंजाब की सियासत का पूछ लेता हूँ, पंजाब की सियासत पर क्या असर पड़ेगा? अब संभावना है कि कैप्टन साहब बीजेपी साथ आएंगे, उस असर को आप कैसे देखते हैं? देखो, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी एक नेक आदमी हैं, मगर पंजाब और हरियाणा की भी मैं साथ में बात कर लूं कि इनका वोट का तरीका सेम है। जो भी आदमी इन दोनों स्टेटों में बीजेपी के साथ जो रलेगा, उसके साथ पार्टनरशिप में आएगा, भाईवाली में आएगा, उसका बिल्कुल सफाया हो जाएगा। पंजाब ये कैप्टन अमरिंदर सिंह जी हो, चाहे कोई और आदमी, कोई और पार्टी हो, जो भी बीजेपी के साथ आएगी उसका नाश तय है।
तो मैं समझता हूं कि बीजेपी को अगर पंजाब में एक सीट भी मिल जाए तो मैं बहुत बड़ी बात। यही सवाल कुछ मैं उजला साहब के पास भी पूछूंगा, उजला साहब भी बैठे हैं, उनसे भी जानूंगा। उजला साहब, बड़ी घोषणा कर दी है पीएम साहब ने, गिल साहब भी कह रहे थे कि हरियाणा की और पंजाब की राजनीति सेम सेम सी है, आने वाले चुनाव में जो भी व्यक्ति बीजेपी के साथ जाएगा नुकसान में रहेगा। आप कैसे देखते हैं कैप्टन साहब को लेकर? देखिए, जो पहले ये जो किसानों का संघर्ष हुआ है उसमें जो लोगों के मतलब मेरा मानना है कि कोई भी रोग पीछे नहीं हटा होगा, चाहे वो दुकान में बैठा है, चाहे वो काम कर रहा है, चाहे वो जॉब कर रहा है, सारे सब लोगों की उसमें शमूलियत थी। तो अब वो लोग चुनाव में, चुनाव भी कुदरती बात है, अब आने वाले हैं, पंजाब के 5 स्टेट के चुनाव आने वाले हैं, तो ये काले कानून वापस लिए गए हैं। जहाँ संघर्ष का एक बड़ी बड़ी जीत हुई, किसानों की जीत हुई है, वहाँ जो पिछले समय में चुनाव हुए हैं, बाई इलेक्शन हुई है पूरे देश में, उसका भी असर देखने को मिल रहा है कि जब राजनीतिक लोग जब हार देखते हैं तो फिर ये कुछ ना कुछ प्लान करते हैं कि आगे कैसे चला जाए कि लोग हमारे साथ आ जाएँ। लेकिन चाहे कैप्टन साहब अलग होकर बीजेपी से जाएँ या बीजेपी अलग होकर किसी से भी जाए या खुद भी जाए, लोग अब इतनी जल्दी यकीन नहीं करेंगे। या तो बीजेपी को रोड मैप अच्छा दे, प्रधानमंत्री को रोड मैप अच्छा दे, जैसे पंजाब में जो पानी है वो ज़मीन के नीचे बहुत कम होता जा रहा है, डार्क जोन में पंजाब जा रहा है, और अब जो धान की खेती वो हमारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन जब कोई दूसरी फसल उगाएंगे उस पर कोई MSP नहीं है, कोई मंडी करनी है, तो सरकार इंश्योर करे कोई फसलें, जैसे हमारी धरातल की स्थिति देखिए कहाँ फ्रूट पैदा हो सकता है, कहाँ सब्जी पैदा हो सकती है। MSP का जिक्र किया, अगर बात करें संसद में आप लोग आवाज़ उठाते थे, आप लोग जंतर मंतर भी कई महीनों से डटे हुए हैं, MSP को लेकर क्या मानते हैं? केंद्र सरकार के लिए कानून बनाना कितना आसान है, क्योंकि MSP अगर पूरे देश में दी जाती है तो एक बड़ा बजट चाहिए केंद्र को भी। नहीं, बिल्कुल, देखो ये केंद्र सरकार स्टेट के साथ मिलकर करे, एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, केंद्र स्टेट की मदद करे, जैसे क्लस्टर बन जाते हैं, कहाँ पौन पानी अच्छा है, धरती का क्या नेचर है, कौन सी फसल का वो कहाँ हो सकती है, कहाँ दाल पैदा हो सकती है, कहाँ सब्जी पैदा हो सकती है, कहाँ फ्रूट पैदा हो सकता है, कौन सा फ्रूट कहाँ लग सकता है, तो सरकार इसके ऊपर काम करे और जो जो जहाँ जहाँ बनता है उसकी इंश्योर करे। खरीदना तो लोगों ने ही है, सरकार ने कोई जेब से थोड़ा ना देना है, आफ्टर ऑल तो कंज्यूमर ही है ना, एंड यूज़र तो कंज्यूमर ही है ना, तो सरकार ने होल्ड कितनी देर करना है, 2 महीने होल्ड करना है ना, 2 महीने में सरकार को क्या फ़र्क पड़ता है। तो सरकार को, पंजाब को खास करके जब डार्क जोन में जा रहा है, हम तो यही कहेंगे, पार्लियामेंट में भी मांग रखेंगे कि आप पंजाब को जो धान की खेती के अलावा कुछ बदल दिया जाए उसके ऊपर, MSP ने मंडी का प्रबंध जो है मंडीकरण का पूर्ण करें, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, सारा अरब कंट्री है, वो सारी सब्जी बाहर से लेते हैं, हम क्यों नहीं दे सकते उनको, छोटे छोटे डेवलप कंट्री उनको इतनी इतनी बड़ी सब्जी मतलब उगा के दे रहे हैं, तो हम क्यों नहीं दे सकते, हमारी सब्जी भी अच्छी होगी, ज़मीन में पैदा होगी। टाइमिंग पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आने वाले दिनों में पंजाब में UP में चुनाव होने हैं, इन चुनावों को देखते हुए फैसला लिया गया है, अभी जो फैसला लिया गया है पंजाब की सियासत के लिहाज से कैसे देखते हैं, कांग्रेस कितना आने वाले दिनों में कंफर्टेबल रहने वाली इस फैसले के बाद? तो कुदरती बात है, वो राजनीतिक पार्टी उसी के हिसाब से फैसला लेगी ना, वो तो बड़ी क्लियर बात है। तो यहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कांग्रेस बड़ी है, कांग्रेस की जीत हुई, हम भी तो कांग्रेस ही हैं, हमने जब जो अब हमें किसान के बाद इस धरने के बाद आप देखोगे तो हम तो एक मेंबर पार्लियामेंट चुने हुए हैं कांग्रेस के निशान से, तो कांग्रेस के लोगों ने संघर्ष किया है, कांग्रेस के लोगों ने जहाँ किसान की मदद की है, किसान के संघर्ष की पंजाब गवर्नमेंट ने, जब कैप्टन साहब भी थे तो पूरी मदद की गई है किसान जथेबंदियों की भी, वहाँ संघर्ष करने दिया, रेल रोकी गई, सब कुछ सरकार ने पूरी मदद की और ओपनली की कि हम इनको कुछ नहीं बोल सकते, ये जो करना चाहते ये करें। तो कांग्रेस को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब तो वो लोग हैं कि हम शुक्रिया तो इसलिए कर रहे हैं कि काम तमाम हुआ, लेकिन दिल में मलाल तो है ना, जो 700 जाने गई हैं और जिस कष्ट में ये धरने चले हैं, हाँ वो कैसे भरेगा, कोई उनको माली सहायता दे सरकार, उसके अलावा ये तो यादें रहेंगी। देखो हम यहाँ बैठे हुए हैं, हमने बहुत कष्ट हुआ है, 1-1.5 महीना तो पुलिस हमें यहाँ बैठने नहीं देती थी, उठा के ले जाती थी, फिर बैठते थे, बार बार हमें उठाया जाता था, रात को हम जाकर यहाँ रहते थे फुटपाथ के ऊपर, स्पीकर साहब बार बार कहते थे कि मेंबर पार्लियामेंट हो अच्छा नहीं लगता, आप मत करो ऐसा फुटपाथ के ऊपर, पहली बार हुआ देश की आज़ादी के बाद कोई मेंबर पार्लियामेंट यहाँ बैठे हो। सांसदों को रातें यहाँ गुजारनी पड़ी और कितनी रातें गुजारनी पड़ी, मैं यही बता रहा हूँ ना, अब हम तो भूल सकते हैं समय में, कोई दिन अच्छे हो जाए फिर वो दिन भूल जाते हैं, लेकिन जिसका परिवार का नुकसान हुआ हो, जो जेल जाकर आया हो, उनको कैसे भूलें, उनके लिए भी सरकार को सोचना चाहिए। बाकी 350 दिन हमें हो गए हैं कंटिन्यू। केसों का आपने जिक्र किया, जो पुलिस केस बने हैं, पुलिस केसों को लेकर क्या लगता है कि कौन से केस वापस हो सकते हैं, क्योंकि ये भी एक महत्वपूर्ण है जो लड़ाई लड़ी गई थी किसानों की तरफ से, काफ़ी संख्या में केस दर्ज हुए हैं।
हाँ बिल्कुल, जो भी देखो, अब जब यही मान लिया गया कि कानून गलत थे, वापस ले रहे हैं, तो केस भी तो कानून को वापस लेने के लिए बने हैं ना। कोई उत्सुक हुआ है, किसी से कुछ गलत भी हो गया है, तो वो कानून वापस लेने की लड़ाई थी, लड़ने आया था ना, और तो कोई लेना देना देना नहीं था ना, तो उसको भी वापस लेना चाहिए सरकार को। जब वो ले लिया है, जब एक जो कॉज था, एक केस होने का कॉज क्या था, जब वो केस उस कॉज की वजह रीज़न दे था कि वो उसको वापस कराने के लिए आए, वहाँ झगड़ा हो गया, कुछ भी हुआ, जैसा भी इन्होंने केस बनाए, NIA को मिसयूज़ किया गया है, मिसलीड किया गया है, जैसे बाहर से NRI लोगों ने पैसे भेजे हैं, उनके परिवार हैं यहाँ बैठे हुए, उनको टारगेट कर रहे हैं, एयरपोर्ट से वापस कर रहे हैं, हमारे माननीय रखड़ा ब्रदर्स हैं, वो उन्होंने बहुत बड़ा फंडिंग की है इस एजिटेशन में। भाई हमारा ब्लड है, हमारा देश, हम देश के लिए किया है और शांतमय तरीके से काम करने के लिए किया है, आप उनको वापस कर रहे हो, ये बातें सब सरकार को बंद करनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए ओजला साहब थे, बिल्कुल जैसे जैसे किसानों का धरना चल रहा था, उसके पैरलर में एक धरना पंजाब के सांसदों की तरफ से भी दिया जा रहा था। अब इन सांसदों का यही कहना है कि जब तक किसान कानून वापस नहीं होते, तब तक वो भी इस जंतर मंतर पर डटे रहेंगे। कैमरामैन जस्सी के साथ अनिल मोर, खबरें अभी तक दिल्ली।